साथियों नमस्कार। साथियों आज एक ऐसी जानकारी शेयर करना चाहते हैं जिस जानकारी में दो पार्ट हैं, वो दोनों पार्ट अलग अलग हैं और ये जीवनोपयोगी हैं और इनकी ऐसी स्थिति में जानकारी मिलती है जब हम किसी जगह पर गंभीर रूप से फंस गए होते हैं। दोस्तों अक्सर लोग चर्चा करते हैं कि किसी व्यक्ति ने हमारे खिलाफ़ फर्जी या झूठा मुकदमा लिखा दिया और कई लोग मिलकर के मुकदमा लिखाने वाला उसको झूठे गवाहों की व्यवस्था कर लेता है और विवेचक महोदय या कोई उनको और भी लोग मिल जाते हैं जो उसमें मददगार हो जाते हैं, फर्जी तरीके से लोगों को चार्जशीट करा के और प्रोसिक्यूट कराते हैं। तो आज का विषय केवल इस बात पर है कि किस तरीके से ये प्रक्रिया चल रही है। दोस्तों दो पार्ट का मतलब ये था कि पहले पार्ट में मैं ये बताऊंगा कि लेटेस्ट एक मामला अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में कल डिसीजन हुआ है 18/8 में, तो केवल इसी बात पर है कि फर्जी एक मुकदमे लिखाने का गिरोह संचालित है। उस गिरोह में कुछ महिलाएं हैं, कुछ हाई प्रोफाइल लोग हैं, कुछ एडवोकेट्स भी हैं जो फर्जी मुकदमा लिखा करके और मुकदमा समाप्त कराने के नाम पर रंगदारी वसूलते हैं और रंगदारी आपस में बांट लेते हैं। हरिजन एक्ट के मुकदमों में शासन द्वारा जो धन दिया जाता है उसको भी आपस बांट लेते हैं। इस तरीके की घटनाएं मुझे लगता है, मेरी व्यक्तिगत सोच है कि लगभग, चूंकि पीड़ित लोग पहुंच नहीं पाते हैं, शायद ही कोई जिला बचा हो जिस जिले में ना हो इस तरीके के गिरोह का क्रियाशील हैं। ऐसे गिरोहों पर लगाम लगनी चाहिए। तो दोस्तों अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 18/8/2022 को निक्की देवी बनाम राज्य उत्तर प्रदेश ओबम एक अन्य में एक डायरेक्शन दिया हुआ है सीबीआई जांच के लिए कि अगर ऐसा कोई गिरोह संचालित है जो 50-60 मुकदमे लिखाता है, लिखा चुका है, महिलाएं भी हैं, मुकदमा लिखा करके उसकी जब चार्जशीट लग जाती है, चार्जशीट के पहले के प्रक्रम में SC/ST के मुकदमे से उनको धन भी प्राप्त हो जाता है शासन से, उसमें वो लोग हिस्सा कर लेते हैं, इसके बाद में जो जिसके खिलाफ़ मुकदमा लिखाया है एक्यूज्ड उससे भी वो पैसा लेते हैं, और इसके बाद में जब चार्जशीट पहुंच जाती है तो चार्जशीट क्वेश कराने के नाम पर, समझौते के नाम पर उनसे धन ले करके मामले को समाप्त करा देते हैं। इस तरह के वाकयात लगभग ये दुर्वसंद पूर्वक भी हो सकता है और रियलिटी भी हो सकता है। 3-4-5 लोग अगर इस तरीके के कल्यूशन के थ्रू मुकदमा लिखाएं और पैसा लेकर के उसको बाद में डिस्पोज करा दें तो इससे नुकसान किसका हो रहा है। तो माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस मामले में CBI जांच करने के लिए डायरेक्शन दिया हुआ है और उस डायरेक्शन में ये कहा गया है कि CBI प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करके, केंद्रीय जांच एजेंसी है, और प्रारंभिक जांच करके अपनी रिपोर्ट हनीबल कोर्ट को सौंपे, तो कुछ समय भी दिया है। और इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में वहाँ के कई सीनियर लोग, सीनियर एडवोकेट्स खड़े हुए थे, क्योंकि इस मामले में एक वकील साहब को ही एक्यूज्ड बना दिया गया था, उनके खिलाफ़ फर्जी मुकदमा लिखाया गया, और बात जब अधिवक्ताओं की आती है तो लोग खड़े होते हैं और खड़े होने में ये आर्डर हो गया। अब देखना ये है निकट भविष्य में कि ये जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी CBI की होती है इसमें क्या सत्यता सामने आती है। दोस्तों मैं प्रयास करता हूँ कि आप लोगों के पास लेटेस्ट सूचनाएं ज़्यादा से ज़्यादा भेजता रहूं। अगर आप लोगों को हमारी ये सूचनाएं अच्छी लग रही हैं, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, तो हमें अपना स्नेह प्रदान करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। नमस्कार।